राजधानी शिमला में क्रिसमस की तैयारियां चरम पर है। आरट्रैक के समीप कैथोलिक चर्च को विशेष तौर पर सजाया गया है। इस साल भी क्रिसमस पर समारोह अलग करने का प्रयास किया गया है। प्रातः 10:30 पर मिशा वरदान के तहत विशेष प्रार्थना की जाएगी। कैथोलिक चर्च के फादर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड नियमों के दिशा निर्देशों के तहत ही इस पर्व को मनाया जाएगा। शारीरिक दूरी के नियमों व मास्क की सुनिश्चितता सबल की गई है। या इस कोरोना का जो एक प्रकार वो माहौल अभी भी है, तो इसलिए लोग थोड़ा सावधानी से, आप देख रहे हैं बेंचेस में कितने जन रहना है, लोकेशन दे रखे हैं, वहाँ रुकेंगे, प्रार्थना के लिए शामिल होंगे। पूजा पाठ हमारा मेन होता है, यस, मिसा बलिदान जिसे कहते हैं। सारे मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सारे मानव जाति के लिए ईश्वर हमारे बीच में आया है। जिस तरह से सर आपने मिसा बलिदान की बात की, तो किस समय ये पूजा होगी? हाँ, मिसा बलिदान कल सुबह 10:30 शार्प शुरू होगा, और लोग तब तक लोग सारे लोग आ जाएंगे। उसके जैसे मिस्सा ख़त्म होगा, सभी लोगों के लिए एक प्रकार चाय पानी का प्रबंध है, और केक वगैरह काटा जाएगा, लोगों को बांटा जाएगा, यही है। जिस तरह से फादर आज की बात की जाए, आज एक दिन पहले 12 प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता था, क्या इस बार भी रात देर रात उस प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा? इस बार हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, लगभग 6 या 8 तक हम शुरू करेंगे, शुरू करके फिर समाप्त भी जल्दी करेंगे, क्योंकि ठंड भी है और लोगों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, तो जल्दी होगा। और आप इस मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो यही देना चाहूँगा कि जैसे पवित्र बाइबल में संत योहन अध्याय 1:12 में कहा गया है, ईश्वर ज्योति बन के संसार में आए, और जितने ने भी उसे अपनाया है, उनके नाम पर विश्वास किया है, उनको ईश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया है। तो हम सारे ईश्वर के संतान बनेंगे और बनते हैं उस प्रभु के द्वारा जो हमारे बीच में वो मानव बन के आए हैं, और वो सारे मानव जाति के लिए हैं। ईश्वर सभी लोगों को प्यार करता है, सारे मानव जाति की मुक्ति के लिए वो हमारे बीच में जन्म लेते हैं। यही संदेश है, वो प्यार का है, शांति का राजकुमार है, और उन्हीं के द्वारा हम सबों के लिए आनंद जीवन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।